बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज जो रेसिपी शेयर की गई है वो है चॉकलेट मूस, जो कि बहुत मज़ेदार है और सिर्फ टू इंग्रेडिएंट के साथ तैयार किया गया है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें कितना मज़ेदार बना है, कितना अच्छा बना है। अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके खाएंगे। अभी तो असल में अभी अभी बना है। चले हम अपने किचन में चलते हैं और आपके लिए रेसिपी बनाते हैं। चॉकलेट मूस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए डार्क चॉकलेट, ये देखिए। बस मैं कल से इतनी बहुत होगी। इसको मैंने कट कर देना है इस तरह करके, आप जैसे भी कर लें। रैंडमली इसको हमने मेल्ट किया। ये देखिए मैंने तेज़ गरम पानी लिया है, इसके अंदर मैंने इस वाली दूसरी कटोरी में चॉकलेट डाली, इसको मैं इसमें रख दूँगी। ये देखिए अभी इसको मैं इस तरह कर करके करूँगी, थोड़ी सी देर में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना वरना चॉकलेट हमारी जल जाएगी। ये अभी देखिए थोड़ी सी देर में मेल्ट। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी चॉकलेट हमारी, आज तो बच्चों के और बड़ों के, टीन एजर्स के मज़े हो जाने। ये देखें आज इनकी फेवरेट डिश बनने जा रही है। ये इसको देखें कितने अच्छे से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई। ये देखिए चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है बिल्कुल। अब हम इसको निकाल लेंगे और हम अपने, ये सिर्फ टू इंग्रेडिएंट मॉस है। ये देखिए अच्छे से हमारी क्रीम मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। टू इंग्रेडिएंट मॉस है और बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये अब हमने इसको वन स्पीड पे बीटर को अपने ऑन करना है और इसकी बीट करें। बीटर ऑन कर दिया, इस तरह करके हमने इसकी सॉफ्ट चीक लाने तक अच्छे से बीट करना है। कम से कम हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे बीट करने में। इस तरह ये इसकी पीक बन गई है, ये देखिए कितनी प्यारी। और ये मैंने बगैर व्हिपिंग क्रीम के बनाया है। अभी हमारी ये सॉफ्ट पीक आई है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट जो हमने मेल्ट की हुई थी। ये देखिए ये चॉकलेट जो मेल्ट की हुई थी अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें ये ऐड करने के बाद इसको फिर से हमने बीट करना है। इसको हमने अब फिर से बीट करना है अच्छे से, कोई 5 से 4 मिनट्स तक। ये देखिए मूस हमारी कितनी अच्छी है, ये देखिए क्या आप देख रहे हैं कितने बगैर मैंने व्हिपिंग क्रीम के बनाना। बताइए कि अगर किसी को ना मिल सके कोई मसला नहीं है, हम इसके इससे भी अपना काम निकाल सकते हैं। टू इंग्रेडिएंट्स है खाली ये। चलें अब हम इसको ग्लास में सर्व करें। डस्ट कर लेंगे कोको पाउडर को। ये देखें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खूबसूरत सा डेकोरेट भी हो गया हमारा। ये देखें और बच्चे भी इतने शौक से खाएंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी हमने चॉकलेट भी डाल देनी है। ये देखिए मज़ेदार किस्म का मूस हमारा तैयार है। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी